होगी। गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू द सेशन। इन माई लास्ट क्लास विद यू आई टुक अप वॉल्ट विटमैन। सो हमने उनका बायोग्राफिकल स्केच पूरा पढ़ा और साथ में ही हमने वन लाइन समरी स्टडी की उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की। आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं उनके द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क लीव्स ऑफ ग्रास पे, ठीक है। इसमें से क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगी आपको लीव्स ऑफ ग्रास पढ़ाने के लिए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। व्हेन आई से दिस व्हाट आई मीन इज आई विल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स राइट एंड आई लीव असाइड द नॉन एसेंशियल पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को एट अ ग्लांस देख रहे हैं बट हम सारी चीज़ें लीव्स ऑफ ग्रास में से आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आज के इस सेशन के बाद में आप लीव्स ऑफ ग्रास से पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने मेरी अगर प्रीवियस क्लास अटेम्प्ट की है तो आपको दो तीन पॉइंट्स तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपको ये पता है कि जो लीव्स ऑफ ग्रास हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय द लेजेंडरी सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन, ठीक है। उनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ये एंड विटमैन ने ये वर्क वॉज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ वॉल्ट विटमैन सो ही केप्ट यू नो वर्किंग ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ। बहुत सारे एडिशन आए, कौन कौन से एडिशन आए, कब आए, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। पर सबसे पहला एडिशन कब आया, लीव्स ऑफ ग्रास का सबसे पहला एडिशन आया 1855 में। मैंने आपको याद रखने का एक तरीका बताया था कि ग्रास में डबल एस आता है, एस एस जो है वो फाइव से रिजेंबल करता है। तो याद ना रहे तो अब ऐसे याद रह जाएगा कि फाइव फाइव एस एस यानी फाइव फाइव, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडिशन आया 1855 में, ठीक है। इस एडिशन में कितनी पोएम्स थी, ठीक है। तो इस एडिशन में ये बहुत ही थिन वॉल्यूम था, इसमें बहुत कम पोएम्स थी। कितनी पोएम्स थी इसमें, 12 पोएम्स थी। कितनी पोएम्स थी, जितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में उतनी ही पोएम्स थी इस कलेक्शन में। और साथ में इसमें एक प्रीफेस था, ठीक है। और उस प्रीफेस में क्या था, ऑथर के एम के बारे में कि व्हाट ऑथर विश टू और स्ट्राइव्स टू अचीव थ्रू दिस कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है। तो 12 पोएम्स और एक प्रीफेस का ये 1855 एडिशन था। जब वॉल्ट विटमैन ने ये लिखा था ना तो वो चाहते थे कि ये एक पोइट्री, ये एक पॉकेट बुक हो, ठीक है, जिसको कि हर कोई अपने साथ कैरी कर पाए। लेट्स से कि दैट यू कैरी पुट इट इन टू योर पॉकेट एंड यू वेंट टू अ पार्क एंड यू लाई डाउन एंड यू रीड द पोएम्स अंडर द सन। इस तरीके का उनका एम था जब उन्होंने इस वॉल्यूम ऑफ पोइट्री को कंसीव किया था। इसलिए इसमें सिर्फ 12 पोएम्स और एक प्रीफेस था, ठीक है। अब वो कौन कौन सी पोएम्स थी ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिए कि ये UGC नेट है, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि 12 पोएम थी ये सफिशिएंट नहीं होना चाहिए। आपको हर एक पोएम पता होनी चाहिए, उस कलेक्शन की याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी पोएम थी, सबसे पहली थी सॉन्ग्स ऑफ माईसेल्फ। सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ बहुत सेलिब्रेटेड पोएम है और आपको इसका टेक्स्ट पढ़ना है, एक रीडिंग पढ़नी है आपको, ठीक है। कोई भी बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ के बाद गिनते रहिए अपनी फिंगर्स पे, ठीक है। पहला है सॉन्ग ऑफ माईसेल्फ, दूसरा है अ सॉन्ग फॉर ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो आपको पता ही है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि वॉल्ट विटमैन जो हैं ही हेल्ड डिफरेंट पोजीशंस। 12 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने एंड ही वर्कड एट मैनी ऑड जॉब्स, ठीक है। एंड देन ही फाइनली एम्बार्क्ड ऑन हिज राइटिंग करियर। तो उन्होंने एक अ सॉन्ग फॉर ऑक्यूपेशंस करके भी एक पोएम लिखी जो इस वॉल्यूम का पार्ट थी। नेक्स्ट है टू थिंक ऑफ टाइम, ओके। सो एक टाइम की थीम पे एक पोएम लिखी गई, टू थिंक ऑफ टाइम। नेक्स्ट थी द स्लीपर्स, ओके, कौन सी थी, द स्लीपर्स। फिर थी आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये पोएम भी आपको पढ़नी है, ठीक है। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, इसका टेक्स्ट भी आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट है फेसेस, ओके. उसके बाद है सॉन्ग ऑफ द आंसरर, ऑलराइट. फिर नेक्स्ट है यूरोप, द 72nd एंड 73rd ईयर्स ऑफ दीज स्टेट्स. देखने सुनने से ऐसा लगेगा कि ये तो कोई नॉन फिक्शन का वर्क लग रहा है, बट नहीं, ये इस कलेक्शन में एक पोएम का नाम है. ठीक है, बड़ा जो भी चीज़ अलग होती है, ठीक है, जिसके चांस कोई एक वर्क जिसके चांसेस होते हैं कि लोगों ने कम सुना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजीसी में. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका याद रखिएगा. नेक्स्ट है अ बॉस्टन बैलेड, ये भी एक पोएम है उनके 1855 कलेक्शन में. देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ, इट वॉज द नेक्स्ट पोएम. फिर कौन सी थी, हु लर्न्स माई लेसन कम्प्लीट, हु लर्न्स माई लेसन कम्प्लीट. ठीक है, एंड फाइनली ग्रेट आर द मिथ्स. ठीक है, ग्रेट आर द मिथ्स. काउंट कर रहे हैं आप, कितनी पोएम्स हुई बताइए? 12 हुई ना. तो अब आपको सिर्फ इतना पता नहीं है कि कितनी पोएम्स हुई, अब आपको हर एक पोएम का नाम भी पता है. तो मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वॉज नॉट पार्ट ऑफ द 1855 एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास. ठीक है, तो आप बता पाएंगे? अगर मान लेते हैं कि इनमें इनके अलावा कोई पोएम दी होगी तो वही आपका राइट आंसर होगा, है या नहीं? राइट, यस मैम. गुड. अब अगर हम बात करें कि आज हम लीव्स ऑफ ग्रास की बात करते हैं तो हर किसी ने सुना है, जब हम वॉल्ट विटमैन का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उनका जो वर्क स्टैंड आउट करता है हमारी मेमोरी में वो लीव्स ऑफ ग्रास ही है. ठीक है, बट आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जिस टाइम पे ये पब्लिश हुआ तो ये एक बड़ा कमर्शियल फेलियर था. देयर वॉज नो टेकर फॉर दिस वर्क. वॉल्ट विटमैन ने इसको खुद पब्लिश किया था और उन्होंने पे किया था पब्लिशिंग के लिए. ठीक है, बिकॉज उनको कन्विक्शन था, मतलब ही वॉज कन्विंस्ड दैट इट इज़ अ गुड वर्क एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट आउट टू द पीपल. बट किसी और ने फेथ नहीं दिखाया उनके इस वर्क पे उस टाइम पे. और जब ये पब्लिश भी हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्री वर्स में पब्लिश हुआ, बहुत लॉन्ग लाइन्स थी. ठीक है, और उस टाइम का जो जिस तरीके की पोइट्री लिखी जा रही थी, ठीक है, उस टाइम पे फ्री वर्स में भी अगर पोएम लिखी जा रही थी तो बहुत लॉन्ग लाइंस नरेटिव के जैसे, ऐसे पोएम्स नहीं लिखी जा रही थी. ठीक है, और कोई नई चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है लोगों के लिए. तो शुरू में क्या हुआ, इट प्रूव्ड अ कमर्शियल फेलियर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गई जैसे नथैनियल हॉथॉर्न का स्कारलेट लेटर, वैसा नहीं था. ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि कितने टोटल आपको पता होने चाहिए कि कितने एडिशन पब्लिश किए हुए लीव्स ऑफ ग्रास के, आप ना दो नंबर्स देखेंगे, 6 देखेंगे या 9 देखेंगे, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा कि मैम ये क्या है कि 6 थे या 9 थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 थे या 9 थे. ठीक है, एक्चुअली क्या है, कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो सिर्फ 6 एडिशंस कंसिडर करते हैं, जिसका भी प्रिंट में नहीं गया, ठीक है, वो उन एडिशंस को नहीं कंसिडर करते हैं. ठीक है, और जो सिर्फ प्रिंटेड एडिशन थे उस टाइम के, वो सिर्फ उनको काउंट करते हैं. तो उनको काउंट करते हैं तो 6 होते हैं. ठीक है, और बाकी जो उस टाइम पे प्रिंट में नहीं गए थे, अगर उनको भी काउंट करा जाता है, जो कि कुछ स्कॉलर्स करते हैं, तो 9 एडिशंस होते हैं. तो एग्ज़ाम में देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन दिया जा रहा है, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे. ठीक है, या तो 6 दिया होगा या 9 दिया होगा. ओके, तो कौन कौन से एडिशन आए, कौन से ईयर्स में आए, वो आपको याद रखना है. ठीक है, एक सबसे पहले तो आपको पता ही है 1855 वाला, भी इसके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, 1855, उसके इमिजिएटली नेक्स्ट ईयर आया 1856 में. ठीक है, फिर थोड़ा सा और वर्क किया विटमैन ने इस पर. ठीक है, जैसे जैसे विटमैन इवॉल्व हुए, वैसे वैसे उनकी पोइट्री इवॉल्व हुई. ठीक है, और उनके कलेक्शन एक्सपैंड होता चला गया. फिर नेक्स्ट एडिशन आया 1860 में. ठीक है, उसके बाद आया 1867 में. देख रहे हैं अब आप कि टाइम ज़्यादा ले रहे हैं विटमैन. पहले तो इमिजिएटली नेक्स्ट ईयर आ गया था, फॉलोइंग ईयर, और उसके बाद में 60 में आया, फिर फाइनली 67 में आया, फिर एक आया 71-72 में. ठीक है, मतलब पब्लिश हुआ वो 72 में, बट इट्स लाइक ही वॉज वर्किंग ऑन इट सिंस 71. एंड एक आया 1881 में. ठीक है, और
कुछ, और जो बाकी कुछ एडिशन थे, ये जो तीन बाकी एडिशन है जिसको कुछ स्कॉलर काउंट करते हैं, वो उनमें से आता है एक 76 का, देखिए इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं था, 76 का, एक 88, 89 का, और एक फाइनली जो लास्ट एडिशन था जिस पे उन्होंने अपनी डेथ बेड पे काम किया था, ठीक है, उस टाइम पे इसको रीवर्क किया था, वो था 1891, 1892 में, ठीक है। और इसी एडिशन को, ये यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि लास्ट एडिशन जिसको डेथ बेड एडिशन कहते हैं, ठीक है, डेथ बेड एडिशन इसीलिए कहते हैं कि ही वॉज वेरी इल, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड एंड ही वॉज स्टिल वर्किंग ऑन इट, ठीक है, रिव्यूइंग इट, रिवाइजिंग इट, सो इसलिए इसको डेथ बेड एडिशन कहते हैं, जो 1891-92 एडिशन था। तो अब आपको सारे एडिशंस भी पता हैं और सारे ईयर्स भी पता हैं, और अब आपको ये भी पता है कि 6 एडिशन हैं या 9 एडिशन हैं, कुछ लोग 6 क्यों काउंट कर रहे हैं, कुछ 9 क्यों काउंट कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 6 दिया है या 9 दिया है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। कोई कन्फ्यूजन, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इवेंचुअली क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि 1855 से लेकर के 1891, ठीक है, इतने डेकेड इसको रिवाइज किया गया है, तो इवेंचुअली इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ठीक है, धीरे धीरे करके लोगों ने, जो रीडर्स थे उस टाइम के, या क्रिटिक्स रहे या कंटेम्प्रेरी रहे उस टाइम के, उन्होंने, दे स्टार्टेड सीइंग द ब्यूटी, दे स्टार्टेड सीइंग यू नो हाउ इट वॉज अ यूनिक पीस ऑफ यू नो पोइट्री एंड हाउ ही हैड क्रिएटेड समथिंग फिनोमिनल विद दिस वॉल्यूम, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया दैट इट बिकेम द मोस्ट सेलिब्रेटेड कलेक्शन ऑफ पोइट्री एंड इट एलिवेटेड विटमैन टू ग्रेट हाइट्स इन टर्म्स ऑफ हिज पोइटिक अचीवमेंट एंड ही बिकेम अ लेजेंड, ओके, एंड इट दिस लीव्स ऑफ ग्रास इज कंसिडर्ड हिज लेगेसी टू द फॉलोइंग जनरेशन। हैरल्ड ब्लूम, जो बहुत फेमस क्रिटिक हुए हैं, आपने क्रिटिसिज्म की क्लासेस में उनके बारे में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो भी, तो उन्होंने विटमैन के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ आर पोएट्स, ही कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ आर पोएट्स, द अमेरिकन बार्ड, आर होमर एंड आर मिल्टन, ठीक है, देखिए कितना बड़ा प्रेज है, ही प्रेज्ड हिम इन हिम विद सच इन सच हाई टर्म्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दैट ये इस तरीके से आता है कि ये लाइन दे देंगे आपको, द ग्रेटेस्ट ऑफ आर पोएट्स, द अमेरिकन बार्ड, आर होमर एंड आर मिल्टन, और पूछा जाएगा किसने कहा, किसके बारे में कहा, तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हैरल ब्लूम ने क्या, ये मैंने इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि किस तरीके से ये अमेरिका का सबसे फेमस, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्री कलेक्शन बन गया, ठीक है, और कैसे क्रिटिकल ओपिनियन शिफ्ट हुई धीरे धीरे करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा और पॉइंट्स देखते हैं, कुछ और एडिशंस के बारे में देखते हैं, ठीक है, उनकी क्या यूनिक क्वालिटी, यहाँ बताइए, बार्ड पोएट होता है ना, हाँ, बार्ड मतलब, बार्ड आपको पता है ना कि जैसे कोर्ट जो होता था किंग्स का, उसमें बहुत सारे पोएट्स होते थे, तो उनको बार्ड बोलते थे, है ना, ठीक। अब हम आगे बढ़े, ठीक है, अब इसका जो 1855 जो एडिशन है, ठीक है, जब ये पब्लिश किया, सेल्फ पब्लिश किया वॉल्ट विटमैन ने, तो उन्होंने इसकी एक कॉपी भेजी राल्फ वॉल्डो एमर्सन को, जो कि आपको पता है ट्रांसेंडेंटल पोएट हुए हैं, हमने पढ़ा उनके बारे में, हमने सारे मूवमेंट्स पढ़े हैं अमेरिकन लिटरेचर के, ठीक है। तो राल्फ वॉल्डो एमर्सन जो हुए, उनको एक कॉपी भेजी, क्योंकि वॉल्ट विटमैन उनको काफ़ी मानते थे, ठीक है, ही यूज टू थिंक हाई ऑफ हिम, तो एमर्सन वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द वर्क, ऑल दो कॉमन मासेस या काफ़ी कंटेम्प्रेरीज को ये वर्क शुरू में नहीं पसंद आया, एमर्सन वो बिकेम फैन ऑफ दिस वर्क राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ठीक है, और उन्होंने एक लेटर लिखा विटमैन को, और उस लेटर में उन्होंने ये फेमस लाइन्स बोली कि आई ग्रीट यू एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट करियर। कहते हैं ना कि पारखी नज़र हर किसी की नहीं होती, है ना, बट राल्फ वॉल्डो एमर्सन उस तरीके के पारखी थे, तो वो समझ गए थे कि ये जो है दिस पोएट वॉल्ट विटमैन इज गोइंग टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन हिज पोइटिक करियर,
तब उन्होंने ये फेमस लाइन उस लेटर में लिखी थी, आई ग्रीट यू एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट करियर। और ये जो लेटर लिखा था राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने, ये वॉल्ट विटमैन ने पब्लिश भी किया था अपने एक एडिशन में, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन जो आया 1856 का, एक्चुअली मैं आपको स्टोरी की तरह सब बता रही हूँ सो दैट कि स्टोरी की तरह ही आपको सब याद रहे, ठीक है। फिर 1856 में जो एडिशन आया उसमें 33 पोएम्स थी, ठीक है, 12 से अब कितना पहुँच गया, 33, ओके। फिर एक वर्जन जो है आपका, जो लास्ट वर्जन जो है 92 वाला जो वर्जन है, 1892 वाला जो डेथ बेड एडिशन है, इसमें आप कहीं कहीं पढ़ेंगे लिखा होगा 400 पोएम्स, है ना, वो 400 पोएम रफली बोलते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर है उसका वो है 383, ठीक है, 383 पोएम्स थी उसमें और 14 सेक्शंस थे, ठीक है, सेक्शंस में डिवाइडेड था, इतनी सारी पोएम्स हैं तो ऐसा नहीं था कि सब कंटिन्यूटी में थी, 14 सेक्शंस बनाए गए थे और उसमें अलग अलग कैटेगरीज में पोएम्स थी, ठीक है। उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स यहाँ पर आपके लिए लिस्ट कर दिए और उसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए, ठीक है। पर एटलीस्ट आपको एक दो से तीन बार इनको पढ़ लीजिएगा जब मैं PPT शेयर कर दूँ, उससे क्या होगा कि मेमोरी में आपको रहेगा कि अच्छा ये वॉल्ट विटमैन की पोएम है, ठीक है। तो इसमें एक है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, फिर है चिल्ड्रन ऑफ एडम, है ना, चिल्ड्रन ऑफ एडम नाम थोड़ा अलग है तो ऑब्वियसली याद रखने लायक चीज़ है। कैलामस करके है, कैलामस जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में है, है ना, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि थीम थोड़ा सा इसके अलग है। फिर है बर्ड्स ऑफ कैलामस पर्सनल रिलेशनशिप और रोल ऑफ लव इन दैट, उस पर है। फिर है बर्ड्स ऑफ पैसेज, ठीक है, एक है पैसेज टू इंडिया जो वर्क है, बट ये है बर्ड्स ऑफ पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है सी ड्रिफ्ट, फिर है बाय द रोड साइड, ड्रम टैप्स, ठीक है, देन ये एक पोयम है इसमें, बट उसके बाद में क्या हुआ, ड्रम टैप्स करके उनका एक पोइट्री कलेक्शन भी आया बाद में जिसमें उनने और पोएम्स दी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वॉल्ट विटमैन का एक पोइट्री कलेक्शन अलग से भी है जिसका नाम है ड्रम टैप्स एंड अदर पोएम्स, ठीक है। फिर है मेमोयर्स ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन, मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ही वॉज ग्रेटली ग्रीव्ड बाय असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन और उन्होंने एलिजी लिखी है ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो एक मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन भी लिखी है जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, ठीक है। ऑटम राइवल्स, फिर है विस्पर्स ऑफ हेवनली डेथ, देन फ्रॉम नून टू स्टारी नाइट, सॉन्ग्स ऑफ पार्टिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना टाइटल्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सॉन्ग यूज़ किया है। फिर है फर्स्ट एनेक्स सैंस एट 70, ओके, क्योंकि डेथ बेड एडिशन है, ही डाइड एट द एज ऑफ 72, है ना, तो ही रोट सैंस एट 70। एंड सेकेंड एनेक्स गुड बाय माई फैंसी, ओके, और जो इनके लिए लिखी है जो एलिजी है एब्राहम लिंकन की डेथ पे, वो है व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम्ड, बहुत फेमस पोएम है, ब्यूटीफुल लाइंस हैं, ज़रूर पढ़िएगा इसका टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट पढ़े बिना एग्जाम में नहीं आप जाएंगे। एंड नेक्स्ट है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ब्यूटीफुल पोएम, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर ये पोएम पढ़नी है, और बहुत लंबी पोएम नहीं है, सोते उठते जागते पढ़ सकते हैं आप इसे, ठीक है। एज वेल एज और कौन से अदर पोएम्स हैं इसमें, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, हु एवर यू आर होल्डिंग मी नाउ इन हैंड, एंड फाइनली अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पोएम्स हैं जिसमें कि अमेरिका वर्ड है, आप एक लॉरेंस की पढ़ेंगे, बाकी भी और पोएम्स भी हैं, तो ये जो सिर्फ अमेरिका है, ये जो पोएम है ये वॉल्ट विटमैन की, ठीक है। तो ये सारी पोएम्स याद रखनी है, कौन से कलेक्शन में है, 1892 में, ठीक है। ये जो मैं ये नहीं बोल रही कि सारी पोएम्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए, मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स, ऑब्वियसली 383 पोएम्स मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब हम अगर बात करें कि किस तरीके क्या क्या एक पोइटिक स्टाइल क्या है इसका, आप सबको अब तो ये अब पता ही है कि फ्री वर्स में लिखी हुई है, ये आप आँख बंद करके बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या फीचर है इस पोएटिक स्टाइल का कि बहुत लॉन्ग लाइंस हैं, अगर आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग राइम्स लाइंस हैं, कोई फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई मीटर नहीं है,
फिक्स्ड मीटर नहीं है, इसीलिए हम इसको फ्री वर्स बोलते हैं ना, कि फिक्स्ड राइमिंग नहीं है, फिक्स्ड मीटर नहीं है, ठीक है। एंड एक जो ये फिगर ऑफ स्पीच, एक पोइटिक डिवाइस वो यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होते हैं? एनाफोरा में कोई वर्ड रिपीट होता है, ठीक है, या तो किसी फ्रेज के स्टार्टिंग में या किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि आप चार से पांच लाइन है, ठीक है, किसी स्टैंजा में, तो हर लाइन जो है सेम वर्ड से अगर यूज़ हो रही है तो इसका मतलब एनाफोरा है। चाहे वो वर्ड एंड हो, चाहे वो वर्ड ओ हो, जैसे ओ कैप्टन माय कैप्टन में आप देखेंगे, ठीक है, उनकी सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में आप देखेंगे कि हर लाइन एंड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम बीट जनरेशन में हाउल पढ़ रहे थे, आपने देखा था कि कुछ लाइन सेम वर्ड से यूज, तो जब हर सेंटेंस सेम वर्ड से शुरू हो रहा है तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एनाफोरा। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है। और फिर आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इतना सेलिब्रेटेड वर्क, ये क्या बैन भी किया जा सकता है? तो यस, इसका जो 1881 वाला जो एडिशन था, ठीक है, वो बैन किया गया था। और वो किसने बैन किया था? वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो थे बॉस्टन के उस टाइम पे, ओलिवर स्टीवेंस, ठीक है। उन्होंने बैन कब किया था? दो अलग चीज़ें हैं ये, ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर पूछा गया कि कब बैन, किस ईयर में बैन किया था, तो आप 1882 बोलेंगे। बट कौन सा एडिशन था? 1881 एडिशन बैन हुआ था। और कौन से ईयर में बैन हुआ था? 1882 में, ठीक है। और क्यों बैन हुआ था? कि इसमें जो थी, इस कलेक्शन में उनकी कुछ पोएम्स थी जो बहुत सेंशुअस थी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक पोएट के विजन को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, उसमें वो उसको एक क्रूड तरीके से ही देख सकते हैं उस पोइटिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो उस टाइम के जो गाइडलाइंस थे ऑब्सीन लिटरेचर के, ठीक है, ये मतलब जो एक लिटरेचर है विच कैन बी प्रोपगेटेड अमंग द मासेस, ये उसको वायलेट करता था। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने इस एडिशन को बैन कर दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1881 एडिशन बैन हुआ था, चार्जेस ऑफ सेंशुअलिटी, सेक्सुअली चार्ज पोएम्स के उस पर, ठीक है। क्लियर है ये सबको? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कि क्या क्या क्रिटिक्स और कंटेम्प्रेरीज ने बोला, ठीक है, वॉल्ट विटमैन के बारे में। और ये सारे जो ओपिनियन है, इट वॉज बेस्ड ऑन हिज पब्लिकेशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास से तो पहले मतलब क्रिटिक्स डिडेंट से मच अबाउट हिम, डिडेंट राइट मच अबाउट हिम। तो मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है, जो कि एक बहुत फेमस क्रिटिक हैं, उन्होंने क्या कहा, लेट मी रीड इट आउट टू यू, ठीक है। व्हाइल यू थिंक इट इज़ हिज हाईएस्ट मेरिट दैट ही इज सो अनलाइक एवरीवन एल्स, टू मी दिस सीम्स टू बी हिज डिमेरिट, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने फ्री वर्ड्स को यूज़ किया और जिस जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया, ठीक, लीव्स ऑफ ग्रास क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि जिस जो इसकी रेंज है, जो लेंथ एंड विड्थ है, जो थीम्स की, ठीक है, वो अनसरपासेबल है। और जिस तरीके से उन्होंने उसको फ्री वर्ड्स यूज़ करके एक्सप्रेस किया है, इट स्ट्रक अ कॉर्ड विद एवरीवन, ठीक है। तो जो ज़्यादातर क्रिटिक थे उस टाइम के, उन्होंने ये बोला कि दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, वी आर रीडिंग, वी आर गेटिंग टू रीड, वी आर एक्सपीरियंसिंग। मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बोला, दैट व्हाइल यू थिंक इट इज़ हिज हाईएस्ट मेरिट, आई थिंक इट इज़ हिज डीमेरिट, ठीक है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। इज़रा पाउंड ने क्या कहा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, उन्होंने कहा कि विटमैन इज़ अमेरिका, ठीक है, उन्होंने, इज़रा पाउंड ही हैं जिन्होंने उनको फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री भी बोला था, ठीक है। विटमैन इज़ अमेरिका, हिज क्रूडिटी इज़ एन एक्सीडिंग ग्रेट स्टेंच, बट इट इज़ अमेरिका, ही इज़ द हॉलो प्लेस इन द रॉक दैट एकोज विद द टाइम, ठीक है, ही इज़ द हॉलो प्लेस इन द रॉक दैट एकोज विद द टाइम। जो उस वो एज थी, वो डे एंड एज पे जो उनका पोएटिक एक्सप्रेशन था, इट वॉज एकोइंग एंड इट विल कंटिन्यू टू एको इन द टाइम्स टू कम। He does chant the crucial stage and he is the voice triumphant. ये फ्रेज़ याद रखिएगा,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसका पूरा आप समझें, याद बस ये याद रखिए कि इट वॉज एज़रा पाउंड हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री, ही कॉल्ड विटमैन इज अमेरिका इट सेल्फ एंड ही सेड दैट ही इज़ द वॉइस ट्रायम्फेंट। ठीक है, ये फ्रेज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस क्लास, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टेस्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब आज तो मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया नहीं है, और टेक्स्ट जो है ऐसे ये इन वाली क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, रिकॉर्डिंग शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ में। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस मैं ऐसे टॉपिक्स के लिए रखना चाहती हूँ जिसमें कि थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत होती है चीज़ों को। यहाँ पर मैंने 4 पोएम्स ले ली। ठीक है, ये सारे पोएम्स मैंने मेंशन की हैं अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम्ड, ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड अमेरिका। ठीक है, और ये है आपका लिस्ट 1, और ये लिस्ट 2 में लाइन्स हैं। ठीक है, इन 4 पोएम्स में से आपको मैच करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो अब मैम कैन वी ट्राई? यस प्लीज डू दैट मैम, सी इट विल बी ऑप्शन। आई थिंक नंबर 3 इज ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉर्न स्टार, ओ कैप्टन माय कैप्टन। नंबर 1 सॉन्ग्स ऑफ माइसेल्फ, फॉलिंग टू फेच मी एट फर्स्ट ईप एंड करेज मिसिंग इन वन प्लेस। आई थिंक दैट 1D, 3A। आर यू श्योर 3A? सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी और डी में। यस यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो है उसमें जो लाइन है उसकी कंक्लूडिंग लाइन्स ये हैं जो ऑप्शन डी में बताई है ना, फेलिंग टू फेच मी एट फर्स्ट कीप एनकरेज, मिसिंग मी वन प्लेस सर्च अनदर, आई स्टॉप समवेयर वेटिंग फॉर यू। बहुत मतलब हॉन्टिंग लाइन्स हैं ये, आई स्टॉप समवेयर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ये आपकी सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ की कंक्लूडिंग लाइन्स हैं। व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम, उसमें ये पावरफुल फ्रेज है, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार। ठीक है, उसके बाद में ओ कैप्टन माई कैप्टन में बहुत सिमिलर लाइन है, कन्फ्यूजन हो सकती है। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि लाइलेक्स में से तो नहीं है क्योंकि ये एलिजी है। ठीक है, बट ये जो है यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये रेट्रिक है, ये कई बार यूज हुआ है, ओ कैप्टन माई कैप्टन की है, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। और अमेरिका में से जो है, अमेरिका का जो स्टार्टिंग लाइन है वो ये है, सेंटर ऑफ इक्वल डॉटर्स इक्वल सन्स, है ना, ही इज कॉलिंग अमेरिका सेंटर ऑफ इक्वल डॉटर्स इक्वल सन्स, वेयर यू नो डॉटर्स एंड सन्स, फीमेल्स एंड मेल्स, दे एंजॉय इक्वालिटी, है ना। तो ये स्टार्टिंग लाइन है अमेरिका की। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप होता जानते हैं आप क्या है, 2 ही ऑप्शन क्लोज होते हैं, और उन 2 ऑप्शन में जानते हैं क्या होगा, सिर्फ मतलब बिल्कुल सिमिलैरिटी होगी, 1D 1D, 2A 2A, जो आप इजीली गैस कर सकते हैं वो एकदम सेम ऑप्शन आएंगे। कोई 2 होंगे जिनमें फ़र्क होगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है ना, 1D 1D सेम है, 2A 2A सेम है, बस यहाँ पर ये जो है आपको ट्रैप करने के लिए बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है, तो बाकी 2 ऑप्शन को तो देखना भी नहीं है, 2 क्लोज ऑप्शन में ही दिमाग लगाना है। और कभी कभी क्या होता है आपको, वैसे तो आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड गैस करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा करके, थोड़ा सोच के, नहीं भी पढ़ा है तो भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, और नहीं फिर कुछ हो इन्फॉर्मेशन तब तो फिर एकदम वाइल्ड गैस, 50-50 चांसेस हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट, तो इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।